अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी मिर्जा फैजान बेग फ्रॉम सफायर प्रॉपर्टीज और आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं टू डिस्कस अ फ्यू मैटर्स अबाउट द जैतून सिटी। लाइक यू माइट हैव हर्ड के अच्छा कुछ मामलात होते हैं हर सोसाइटी को लेके चल रहे होते हैं। लाइक आप कोई भी एक सोसाइटी इस टाइम पे मार्केट में मुझे उठा के दिखा दें या किसी एक सिंगल सोसाइटी का मुझे आप बताएं जिसके अंदर आपने कभी कोई र्यूमर्स ना सुने, वेदर इट्स बहरिया, वेदर इट्स DHA, वेदर इट्स इत्तेहाद टाउन, व्हाटएवर इट इज। लाइक बहुत सारी सोसाइटीज हैं, कोई एक सोसाइटी ऐसी जिसके बारे में आपने ना सुना हो आप कह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि किसी भी एक सोसाइटी के बारे में रूमर्स ना हो। तो बेसिकली आप इसको एक मोनोपोली कह सकते हैं, एक ट्रेंड कह सकते हैं फ्रॉम द राइवल्स और समथिंग एल्स लाइक दैट, क्योंकि आपको पता है कि ये मामला चलते रहते हैं। ठीक है, अब जब इस तरह के मामलात होते हैं जो हमें सबसे पहले एक चीज़ देखनी चाहिए, दैट इज समथिंग द NOC ऑफ द सोसाइटी यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। क्या उस सोसाइटी के पास NOC है, क्या उस सोसाइटी के पास अप्रूवल है, ये चीज़ें बहुत मेजर चीज़ें होती हैं देखने वाली। सो जिस तरह से जहाँ तक हम बात करते हैं जैतून की, सो लेट्स हैव अ लुक। अभी आपको एक इसका अप्रूवल जो है हमारे आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, एंड आई हैव दिस अप्रूवल विद मी इन माय हैंड्स। ठीक है, अब जहाँ तक आपके कंसर्न्स होते हैं डेवलपमेंट के हवाले से कि जी डेवलपमेंट कब कंप्लीट होगी नहीं होगी, हम लोग सिर्फ अप्रूवल देखते हैं पढ़ते नहीं हैं। अगर आप इसको पढ़ें तो इसमें आपको नजर आएगा कि इसके अंदर आपका पॉइंट नंबर 3 है जिसमें बाकायदा मैंशन है कि Society is bound to develop and deliver the society within 5 years. जबकि आपको जैतून सिटी ट्यूलिप पावर सीजन क्लेव का प्रोडक्ट जो है ये आपको मिल ही 3.5 साल के पेमेंट प्लान पे रहा है, ऑलरेडी डेवलपमेंट आपकी स्टार्ट हो चुकी हुई है। जब एक चीज़ की डेवलपमेंट ऑलरेडी स्टार्टेड है और अप्रूवल आपके पास है, उसके ऊपर बाकायदा टाइम मैंशनड है, तो इसमें और आपको किस तरह की सिक्योरिटी आप देखें? एक बहुत सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, यू शुड गो फॉर दिस इन्वेस्टमेंट। और आप ये देखें कि यहाँ पे एक आपका एक सोसाइटीज़ में अभी तक कोई ऐसा एक हाई लेवल के ऊपर थीम पार्क इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। यहाँ पे आपको थीम पार्क इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर, जिसके अंदर आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ फॉर द चिल्ड्रंस एंड फॉर द फैमिलीज, एंड जिसमें आपके रेस्टोरेंट्स हैं और आपका प्ले एरियाज हैं, मोर देन लाइक आपको बहुत सारी ऑप्शन हैं जो कि यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस हो रही हैं। फिर उसके अलावा आप देखते हैं कि आपकी इको फ्रेंडली सोसाइटी, इको फ्रेंडली क्यों है, एक वर्ड इको फ्रेंडली हम आप थोड़ा सा हम उसको कंसिडर कर रहे होते हैं, पता नहीं कि किस किस्म की क्या सिनेरियो होगा। इको फ्रेंडली इस सेंस में कहा जा रहा है कि यहाँ पे ग्रीनरी को, ग्रीन एरिया को, PHA वर्क को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है। जितनी ज़्यादा ग्रीनरी है उतनी ज़्यादा कम पॉल्यूशन है। ओजोन के हवाले से आपने बहुत सुना होगा, लाइक आपकी पोल्यूशन ये वो बहुत चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। तो ये चीज़ें सारी आपकी कंट्रोल होती हैं किन से, ग्रीनरी से। तो इनका बहुत ज़्यादा फोकस है इस चीज़ के ऊपर। फिर उसके अलावा आप ये देखें कि आपको अमेनिटीज़ दी जा रही हैं, क्या क्या अमेनिटीज़ मिल रही हैं, क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। आपकी सोसाइटी मेन कैनाल रोड के ऊपर लोकेटेड है और आपको क्या चाहिए? कैनाल रोड इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी व्हाट आई थिंक इज़ राइट नाउ। मतलब कैनाल रोड पे कोई एक सोसाइटी का मुझे बता दें जो आज तक आपने फ्लॉप देखी हो, कोई एक सोसाइटी। आप पूरी कैनाल रोड आपके जहां जहां पे जो सोसाइटी है आप खुद काउंट कर लें, मेरे बताने का क्या उसमें होगा आप खुद देख सकते हैं, कोई एक सोसाइटी आपको फ्लॉप नजर आए? नेवर। सेम गोज फॉर द जैतून। ऑलरेडी इन्होंने अगर जहां तक डिलीवरेंस के आगे कंसर्न हो, आप डिलीवरी इनकी देखें, आपने गुलबर्ग में सेंटर पॉइंट पे आपने सेंटर प्लाजा देखा होगा, जैतून ने डिलीवर किया। जेल रोड पे आपका लकी सेंटर, जैतून ने डिलीवर किया। जेल रोड पे आपका लैंडमार्क, जैतून ने डिलीवर किया। कूपर रोड पे आपका जापान सेंटर, जैतून ने डिलीवर किया। न्यू लॉर्ड सिटी Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, जैतून ने डिलीवर किया। एंड नाउ दिस इज अ फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ जैतून ग्रुप विच इज नेम्ड एज जैतून सिटी, जिसके अंदर ऑलरेडी उन्होंने एक आपकी बैलेटिंग हो चुकी है, और वो जो बैलेटिंग हो चुकी है उसमें ऑलरेडी आपके लोगों को बैलेटिंग के अलावा उनके प्लॉट नंबर्स तक अलॉट हो चुके हैं, उनकी 6-6 इंस्टॉलमेंट्स जा चुकी हैं। एंड क्यों ये सब किस तरह से हो रहा है? अगर आप देखते हैं कि आप लोगों से सुन रहे हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे बिलीव ना करें,
दिस इज अ रिक्वेस्ट, सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करने के बजाय व्हाट आई विल सजेस्ट, गो टू द ग्राउंड रियलिटी. आपको नहीं रस्ते का आइडिया, कोई कंसर्न्स हैं, टेल मी अबाउट योर कंसर्न्स, आई विल बी गोइंग विद यू टू द विजिट टू द सोसाइटी. मैं आपके साथ खुद चलता हूँ, जाके आपको सोसाइटी का विजिट कराता हूँ, प्रीवियसली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स आपको विजिट करवाता हूँ, एंड यू विल गेट टू नो व्हाट इज ज़ैतून ग्रुप इज अबाउट टू डिलीवर टू यू. इट्स अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट. फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऐसे ही नहीं आ जाते, ये एक बहुत बड़ा विजन होता है इसके पीछे. हम लोगों को ये चीज अंडरस्टैंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. उसके अलावा आप देखिए मेन बुलेवार्ड, 150 फुट की मेन बुलेवार्ड, ठीक है, एक आपको एक एंट्रेंस पे आपको एक ग्रैंड लुक दे रही होती है. फिर उसके अलावा आप देखें कि आपका सुई गैस की जहां तक बात की जाए, प्रीवियसली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट जो है आपका न्यू लाहौर सिटी, वहां पे सुई गैस के ऊपर डिलीवरेंस स्टार्टअप हो चुकी हुई है, लोगों को मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई मसला मसाइल नहीं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, हाई एंड सिक्योरिटी है. हाई एंड सिक्योरिटी सिर्फ कहने का बात नहीं है, आप पर्सनली इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. आप इन चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं. रूमर्स सुनने को 100 बातें इंसान सुनता है, लेकिन बिलीव उस पर करें जो खुद आप आंखों देख, अदरवाइज आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकेंगे, दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. जब तक आपको ऑन ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता होगा, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा डिसीजंस लेना, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना. ये बहुत बड़ी एक मसला है आजकल का हमारा. तो बाकी इंशाल्लाह इन कमिंग फ्यूचर हम मजीद भी इसके हवाले से आपके साथ डिटेल्स वगैरह शेयर करते रहेंगे. और इसके हवाले से कोई भी आपको कंसर्न हो, किसी भी किस्म के कंसर्न हो, You have my number on the screen in front of you right now. Do contact me. I am repeating again and again. कोई concerns हैं, किसी भी किस्म के आपको queries हैं property में investment के हवाले से, जैतून में investment के हवाले से, जो कुछ है, I am always here for you. I am 24/7 available for you. So you can call me, you can text me anytime. And थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया और इस डिस्कशन को आपने इन डिटेल सुना. सो थैंक यू सो मच, वी विल बी राइट. अल्लाह हाफ़िज़.